Hello friends, the ultimate luxury is being able to relax and enjoy your homes. रियल स्टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं रुचिका आपको लेके आई हूँ हर्मिटेज सेंट्रलिस, जो कि हार्ट ऑफ जीरकपुर में लोकेटेड है। इसकी कनेक्टिविटी पटियाला हाईवे से है, अंबाला हाईवे से है और PR7 से ऑलरेडी अप्रूव्ड है अप्रोच रोड। सैंपल फ्लैट की ओर। सैंपल फ्लैट में एंटर करते ही ये हमारा ओपन स्पेस है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इसे पूजा रूम या स्टोर रूम में कन्वर्ट करना है। आगे हम चलते हैं अपने ड्राइंग एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें एक 9-सीटर सोफा ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है। उसके बाद भी ये जगह काफ़ी स्पेशियस है। देन इसके साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं डबल विट्रीफाइड टाइल्स, AC की डक्टिंग और ये जो है एक्सेस रहेगा आपका बालकनी की तरफ। इसके ही एडजॉइनिंग हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में आप देख सकते हैं कि 6-सीटेड ऑलरेडी डाइनिंग टेबल डालने के बाद भी एक प्रॉपर एक स्पेस है मूवमेंट करने के लिए। इन दोनों का जो साइज़ रहेगा 18x21 रहेगा, जो कि काफ़ी ह्यूज साइज़ है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट रूम की तरफ और हम ये आगे अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जिसका साइज़ 13x13 का है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर साइज़ का बेड लगने के बाद, सोफाज लगने के बाद भी एक प्रॉपर मूवमेंट है चलने के लिए। फुल साइज़ वार्डरोब हम लोग आपको दे रहे हैं विद स्लाइडिंग डोर्स के साथ। और सामने आप देखेंगे प्रॉपर एक जगह है LED पैनल के लिए। इसके साथ हम AC की डक्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमारा रहेगा कॉमन वॉशरूम, जो कि ड्राइंग डाइनिंग के साथ और इस रूम के साथ कॉमन रहेगा। इसके अंदर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉलर की फिटिंग रहेगी, देन एंटी स्किड टाइल्स रहेंगी, देन प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक विंडो और एग्जॉस्ट का प्रोविज़न दे रहे हैं हम लोग। अब हम चलते हैं अपनी बालकनी की ओर और ये हम आगे अपनी फर्स्ट बालकनी में। आप देख सकते हैं बालकनी का साइज़, लाइक टेरेस स्टाइल बालकनीज हैं हमारी। ये जो हमारी बालकनी है, ये हमारी ड्राइंग डाइनिंग के साथ और फर्स्ट रूम के साथ कॉमन रहेगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ और ये हम आगे अपने सेकंड बेडरूम में, जिसका साइज 11x16 का रहेगा। आप देख सकते हैं ये फुल साइज बेड लगाने के बाद, सोफाज लगाने के बाद एक प्रॉपर स्पेस है मूवमेंट के लिए। इसके साथ हम लोग AC की डक्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये आपका अटैच वॉशरूम और ड्रेसिंग एरिया रहेगा। देन आप देख सकते हैं कि फुल साइज वार्डरोब्स दे रहे हैं हम लोग, वुडन वर्क दे रहे हैं पूरा। देन प्रॉपर एक स्टोरेज आएगी उसके अंदर। वॉशरूम के अंदर कॉलर की फिटिंग दे रहे हैं, एंटी स्किड टाइल्स दे रहे हैं, एग्जॉस्ट का प्रोविज़न रहेगा, देन क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक विंडो रहेगी। अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और अब हम आगे अपने किचन की ओर। आप देख सकते हैं इसकी जो फिटिंग्स है वो सेम एज इट इज़ ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये कैबिनेट आपका सेम रहेगा, फिटिंग जो रहेगी वो हाईटेक की रहेगी और इक्विवेलेंट ब्रांड की रहेगी विद इजी क्लोजर के साथ। आप देख सकते हैं चिमनी का हम प्रोविज़न प्रोवाइड करेंगे। इस तरफ हम डबल सिंक प्रोवाइड कर रहे हैं विद कॉलर की फिटिंग। यहाँ पे आपका गीजर का प्रोविज़न रहेगा और ये आपका एक्सेस रहेगा बालकनी की ओर प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ और अब हम आ गए अपने थर्ड बेडरूम में। इसका जो साइज़ रहेगा वो 10x16 का साइज़ है। इसको आप एज अ किड्स रूम भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर टेबल हमने लगा रखा है, यहाँ पे अपना आप स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही अटैच रहेगा हमारा वॉशरूम और ये ड्रेसिंग एरिया। अब ड्रेसिंग एरिया देख सकते हैं कि प्रॉपर फुल साइज़ की वार्डरोब्स हमने प्रोवाइड की हैं। इसमें प्रॉपर आपकी स्टोरेज हो सकती है और साथ ही अटैच है आपका वॉशरूम। वॉशरूम में अगेन हमारी कॉलर की फिटिंग रहेंगी, एंटी स्किड टाइल्स रहेंगी, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक विंडो रहेगी और एग्जॉस्ट के लिए प्रोविज़न प्रोवाइड कर रहे हैं।
चलते हैं अपनी बालकनी की ओर। हर रूम के साथ अटैच रहेगी बालकनी विद मैच डोर और टफन ग्लास। अब हम आ गए अपनी सेकंड बालकनी में। इसका साइज 6 feet वाइड रहेगा विद एंटी स्किड टाइल्स। इसका जो एक्सेस रहेगा वो किचन से और सेकंड थर्ड बेडरूम से रहेगा। आई होप आपको हमारा सैम्पल फ्लैट पसंद आया होगा। और जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।